Hi guys, welcome back to the channel. This is Himanshu and I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, आज मैं आपको आपके घरों से सीधे लेकर आया हूँ हनुमान धाम, जो कि रामनगर के पास पड़ता है. रामनगर से अप्रोक्स 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, और अगर आप हल्द्वानी से आ रहे हो, हल्द्वानी से अप्रोक्स 50 किलोमीटर पड़ता है, आपको एक घंटा लगने वाला है. तो ये जो है काफ़ी फेमस है यहाँ पे, अगर आप रामनगर घूमने आ रहे हो तो ये एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकता है देखने के लिए. मंगलवार और शनिवार को काफ़ी भीड़ रहती है, और लकीली आज यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है. और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, आज शनिवार है बेसिकली. तो ये जो है पूरा बिल्डिंग काफ़ी बड़े एरिया में बनाया हुआ है, तो इसमें मेरे पीछे जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. अभी मैंने पूछा था, यहाँ पर एक विकलांगों का हॉस्पिटल बन रहा है. साथ ही साथ में अगर आप उधर साइड देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो शाम को घूमने के लिए, और आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं. तो काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है अगर आप हल्द्वानी से आ रहे हो या रामनगर से आ रहे हो. सो गाइस, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरी मार्केट है एक प्रसाद के लिए, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है. आज के दिन भीड़ बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है, बट अगर आप मंगलवार को आते हो या किसी और दिन आओगे जब मौसम ठीक रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है. ये पूरा यहाँ से आप प्रसाद इत्यादि ले सकते हो. मंदिर के रास्ते में पड़ती है बिल्कुल गेट के सामने, जैसा कि मेरे पीछे देखेंगे. और यहाँ पे कई सारी खाने की चीज़ें भी मिल जाती है, जैसे यहाँ पे लोग भंडारा वगैरह करवाते हैं. तो अगर आप किसी ऐसे व्रत के उपलक्ष्य में होता है ना, उद्यापन वगैरह कराते हैं, वो भी सारा यहाँ हो जाता है. ये पीछे पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, सब सारी हर एक चीज़ मिल जाती है. और फिर रास्ते में भी बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी आपको, जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं. मम्मी जी, कैसा लगा फिर मंदिर के अंदर? बहुत अच्छा, बहुत. और ये मम्मी ने धागा लेकर आई है, यहाँ पर धागा भी बांधते हैं इस तरह से. कहते हैं कि जो धागा बांधते हैं विश पूरी होती है, ऐसा कुछ है ना मम्मी? हाँ, बोलते हैं. मजा आ गया ना अंदर, शांति एकदम. आज तो भीड़ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात तो ये है. सो गाइस, ये जो सामने देख रहे हो आपको, ये है ऊपर से आप देख लो व्यू. ये है सामने जो पार्क जिसमें की बात कर रहा है. अभी हम जाएंगे वहाँ पे. सो गाइस, मैं मंदिर में दर्शन करके आ गया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा अंदर. सो बेसिकली यहाँ पे हनुमान जी की बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत ही अट्रैक्टिव है. आप बैठते हो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक अलग तरह का अट्रैक्शन वहाँ पे हो जाता है अगर आप थोड़ी देर बैठते हो वहाँ पे. हालांकि आज बिल्कुल भीड़ नहीं है, तो यहाँ पे शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बाहर लाइन लगी रहती है गेट तक. जय माता दी. ये रहा हमारी शेरावाली माता का मंदिर, और ऐसे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर हैं. इस तरफ भी एक मंदिर था, एक मंदिर. अच्छा, ये लिफ्ट भी है. अरे भाई सही, ये चीज़ सही है. अगर कोई बुढ़े लोग हैं या फिर व्हीलचेयर वाले हैं तो लिफ्ट से भी ऊपर आ सकते हैं. काफ़ी अच्छा प्लानिंग करा हुआ है इस मंदिर का. वैसे आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है, सही आप देखोगे सामने. ये देखो नंदी महाराज बाहर से बैठे हैं हमारे. जय भोले बाबा. लो भैया, सावन में भोले बाबा के दर्शन कर लो मस्त. जय भोलेनाथ. क्या नाम है अंकल आपका? चंद्रशेखर जी ने हमारे गेट खोल दिए हैं, थोड़ा सा अंदर दर्शन कराने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हमारा यूट्यूब चैनल है छोटा सा, तो हम उसमें थोड़े डालते रहते हैं ना हल्द्वानी के आसपास क्या क्या घूमने का करके. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ये देख लो भैया, शिव जी के दर्शन कर लो सावन के महीने में. बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त शिव जी हैं, कितना अच्छे तरीके से सजाया हुआ यार. ये रोज़ इस तरह से सजाते हैं क्या? ये इस तरह से, ये आपका मंगलवार और हर शनिवार को मैं ये अंजनी अंजनी गई हम हनुमान भंडारे में मैं हूँ. यहाँ का पूरा समाज सेवक, और जो आता है हमें बहुत खुशी होती है. बहुत बढ़िया. और जब आप हम जितना करेंगे तो उतना और अच्छा. नहीं, बहुत बढ़िया. श्री राम की इच्छा. नहीं, बहुत बढ़िया. सही है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे. बहुत बहुत धन्यवाद. जय भोले. सो गाइस, हमारे बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो चुके हैं, और अभी हम बाहर आ गए हैं. यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था. तो दूमझले में भी यहाँ पे दुकानें मुझे देखने को मिली, तो मुझे लगा चल के देखते हैं कैसी दुकानें यहाँ पर, क्या क्या व्यवस्था है. नीचे थोड़ा सा कंजेस्टेड ज़्यादा है, भड़का ज़्यादा है, और ये यहाँ से व्यू भी. हाँ यार, यहाँ ऊपर आने का फ़ायदा ये है कि आप सामने देख रहे हो, व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है. और यहाँ से बैठ गया आराम से, चाय पकौड़ी वगैरह कुछ ले सकते हो.
और मंदिर के भी दर्शन कर सकते हो। तो मम्मी चाय पकौड़ी कुछ चलेगी? चाय वगैरह भी है क्या आपके पास? चाय कर दीजिए। चाय के साथ क्या है? कुछ होगा चौमिन वोमिन? चाय कर दीजिए सर। यहीं पर बैठ जाते हैं, ये सही लग दीजिएगा। सो गाइस, अभी हम हनुमान धाम से वापस आ गए हैं और अभी एक ढाबे पे रुके हुए हैं। तो यहाँ से जो रोड हल्द्वानी को जाती है, रामनगर को जाती है, तो रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे ढाबे आपको पड़ जाते हैं। तो अभी हम इस ढाबे पे रुके हैं बिकॉज लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहीं रुके थे। मम्मी ने बोला यहीं चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सामने मेरे देखोगे इधर तो वहाँ पे एक झूला है और साथ में रैबिट्स वगैरह भी रहते थे। आज पता नहीं क्यों खाली खाली सा लग रहा है, बिकॉज आज ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे। तो हमने 4 मैगी ऑर्डर कर दी है, हम मैगी वगैरह खा के सीधे घर निकल जाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:30 और काफ़ी लेट भी हो गया है। तो मैं कहता अगर वीडियो आपको पसंद आई और थोड़ी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रामनगर से रिलेटेड या वहाँ पे जो भी प्लेसेस टू विजिट हैं या जिम कॉर्बेट से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं वीडियोज़ के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिकॉज मैं जिम कॉर्बेट जब गया था तो मैंने सारी डिटेलिंग एक ब्लॉग बनाया हुआ है, डिटेल ब्लॉग, उसके ऊपर कि कैसे बुकिंग करनी है, कब करनी चाहिए, कौन कौन से गेट होते हैं और जिम कॉर्बेट के अलावा बाकी क्या क्या है रामनगर में घूमने लायक, वो भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप जाके देख लेना ज़रूर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी सून।